बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने मुंबईकरों को इस साल बड़ी राहत दी है। बीएमसी ने अब तक पानी की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है, यानी इस साल पानी की दर में कोई बढ़ोतरी बीएमसी नहीं करेगी। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि पानी की दर में वृद्धि का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। आपको बता दें कि नियम के मुताबिक हर साल 16 जून से मुंबई में पानी की दर में बीएमसी 8% तक की वृद्धि कर सकती है। इस साल भी आशंका जताई जा रही थी कि बीएमसी पानी की दर में 7.12% की वृद्धि करने जा रही है। बढ़ी हुई दर 16 जून से लागू होगी, लेकिन अभी तक जो खबर निकलकर सामने आई है, बीएमसी कमिश्नर का जो बयान आया है उसके मुताबिक अभी तक पानी की दर में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। आपको बता दें कि यदि 7.12% की वृद्धि बीएमसी करती तो इस हिसाब से पानी की दर में 25 पैसे से 4 रुपए तक की वृद्धि हो सकती थी। बीएमसी जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने बताया कि साल 2012 में यह नियम बनाया गया था कि हर साल पानी की दर में अधिकतम 8% की वृद्धि होगी। यदि हम मुंबई में बीएमसी द्वारा पानी सप्लाई किए जाने की कीमत की यदि बात करें तो झुपड़पट्टी में फिलहाल पानी की दर 5.28 रुपए है। आपको बता दें कि यह दर 1000 लीटर पानी पर लागू होती है। इसी तरह से इमारतों और अन्य ग्राहकों को 6.36 रुपए की दर से बीएमसी पानी मुहैया कराती है। नॉन कॉमर्शियल जगहों पर पानी की दर 25 रुपए है, वहीं कॉमर्शियल लोगों को प्रति 1000 लीटर पानी पर 47 रुपए खर्च करना पड़ता है। मुंबई में उद्योग कारखाना चलाने वालों को 63 रुपए खर्च करना पड़ता है। यदि हम पॉश इलाकों की बात करें, यानी जिसमें रेस कोर्स 3 एवं 5 स्टार होटल होते हैं, यहां बीएमसी प्रति 1000 लीटर पर 95 रुपए तक का शुल्क लेती है। बीएमसी की दर वृद्धि का असर झुपड़पट्टी में रहने वालों से लेकर 5 स्टार होटल तक पड़ता है।